वेलकम टू मेड मेड्स। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डायबिटीज। हम ये बात करेंगे कि हाउ वी डिफाइन इट, हम इसको क्लासिफाई किस तरह करते हैं, व्हाट इज एक्चुअली द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड, कि जिसकी वजह से हमारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आती है डायबिटीज की। और सो व्हाट इज डायबिटीज एक्चुअली? डायबिटीज मेलिटस और मेलिटस, what does diabetes mean? Word इसका मतलब क्या है? diabetes का वर्ल्ड ही मीनिंग है ये। what does mellitus or mellitus mean? It means sweet। हम कह सकते हैं कि ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जीन गेट्स स्वीटर। होता क्यों? एक्चुअली जो हार्मोन बॉडी के अंदर है दैट इज इंसुलिन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल कि जिसमें जो भी वट एवर वी ईट दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को सेल के अंदर फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन लेके जाने के लिए इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल। व्हेनेवर देयर इज डेफिशिएंसी, चाहे आपके पास क्वांटिटेटिव डेफिशिएंसी हो टाइप 1 में जिससे होती है, या एक तरह की क्वालिटेटिव हो कि आपके पास है तो सही इंसुलिन लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से इट डजंट गेट फंक्शनल इसकी, और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपके पास ग्लूकोज अब्जॉर्ब नहीं होता इनटू द सेल्स और आगे सेलुलर रेस्पिरेशन आगे कैरी आउट नहीं होती। ठीक, एक्चुअली हम कॉजेस की तरफ जाने से पहले हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हाउ डज जो क्लिनिकल सिम्टम्स है वो आएंगे किस तरह। तो हम ये कहते हैं कि वी हैव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन एंड जो नॉर्मली तौर पे हो रहा था वो ये था कि ग्लूकोज है it is taken up by the cells for cellular respiration for use it। अब हमारे पास इंसुलिन है ही नहीं, हमारे पास ग्लूकोज जो है वो उसका लेवल क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिक। अब फंक्शनली तौर पे देखा जाए देयर इज नो इंसुलिन इन द सेल्स, तो फिर बॉडी क्या करेगी, बॉडी रिएक्ट्स और किसी न किसी तरीके से ग्लूकोज बनाने की कोशिश करती है बाय आया कार्बोहाइड्रेट सोर्स और नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो आपका जो लिवर है दैट हेल्प्स आउट, किस तरह करेगा, आपके पास मजीद ग्लूकोजेनेसिस हो रही होती है जिसकी वजह से ग्लूकोज आपके पास फिर बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया आपका फिर एग्रीवेट कराओ। ठीक, दूसरी तरफ से क्या है कि आपके पास और सोर्सेस क्या हैं ग्लूकोजेनेसिस के, आपके पास बनाने के लिए वो आपके पास है प्रोटीन्स एंड यू हैव लिपिड्स। आप प्रोटीन्स और लिपिड्स जब यूज होंगे, जब लिपिड यूज होते हैं तो यू एंड अप विद एंड प्रोडक्ट कीटोन्स, और कीटोन्स दीज आर एसिडिक जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया ही है, ये ग्लूकोज इज एक्टिवेट दिस कंडीशन, इसकी वजह से क्या हो गया, आपका से क्रिटिकल थ्रेशोल्ड होता है जब उसके लेवल से ग्लाइसेमिक लेवल बढ़ जाता है तो ग्लूकोज स्टार्ट अपीयरिंग इन द यूरिन। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास ग्लाइकोसीडिया स्टार्ट हो जाएगा, और ग्लाइकोसीडिया सिर्फ अकेला नहीं होगा, ग्लूकोज में अकेला नहीं जाएगा, इफ यू टेक वाटर अलोंग विद इट, इलेक्ट्रोलाइट्स अलोंग विद इट, ये हमारे पास जो ऑस्मोटिक डाइवर्जन होती है इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, कि पेशेंट गेट्स डिहाइड्रेटेड। इस डिहाइड्रेशन की वजह से आगे हमारे पास क्या, तो बात आ जाती है कि द बॉडी टेक्स इट एज रियल स्किनियम, रियल स्किनियम होता है
from our other system, activate that is running, and your everything alters beyond system. This period say that hyperaldosteronism hota hai, the sodium gets absorbed along with water, okay, to counter the dehydration, or potassium is excreted out. So our bus hypokalemia bhi hota hai, and metabolic acidosis bhi hota hai. Or at then ab yahan pe dekhen, sari cheezon ki wajah se hamare paas do cheeze hain. Ek hamare paas ye hai ki patient is polybilling. Large amount of urine has passed. Aur dusri baat hamare paas kya hai, the body is starving as well. अब दोनों कंडीशन को कंबाइन करें तो हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं डायबिटीज के. अगर पॉलीयूरिया होगा तो पेशेंट विल बी थर्स्टी, तो पेशेंट हमारे पास आते हैं इंक्रीज थर्स्ट. एंड देयर बीन लॉट्स ऑफ फूड्स, इसको कहते हैं पॉलीटिप्सी. दूसरी, he or she is starving. तो फिर क्या है? They increase appetite and they have polyuria. और क्यों क्या? आपके पास proteins, these are used, lipids, these are used that make up the bulk of the body. तो क्या होता है? कि आपका weight lose होता है. So they come with lethargy and weight loss as well. अब ये कितना स्वेयर होगा? It depends upon the severity of the insulin levels. इतने insulin level बहुत कम होंगे, जैसे कि आपके पास type 1 insulin में होते हैं, या ये वाली conditions, these are less severe in the cases of type 2 diabetes. ठीक, this is how a patient presents with any type of diabetes. Again, diabetes की types के बारे में बात करते हैं, लेकिन this is the pathophysiology. Now, अब हम बात करते हैं type of diabetes. एक हमारे पास है type 1 diabetes mellitus, जिसको उन time में पहले हम कहते थे insulin dependent diabetes mellitus. Actually, what is this? This is an autoimmune reaction to the beta cells of pancreas. Really, आसान इंफाज में there is no insulin producing cells, these are destroyed. So insulin production उसी यहाँ से कम होती है, बल्कि इसको बाढ़ दे, इस बार no insulin नहीं करते हैं. अच्छा, तो now the type of diabetes, तो सबसे पहले हम बात करते हैं type 1 diabetes mellitus की. Type 1 diabetes mellitus means कि हमारे पास दे इस autoimmune destruction of the beta cells of pancreas. These are destroyed in at multiple levels हम कह सकते हैं, और जिसकी वजह से फिर इस decreased production of insulin. सिंथेसिस ही नहीं है, इंसुलिन लेवल्स ही हमारे पास कम हो गए. ठीक, देन हमारे पास अगली टाइप आती है, दैट इज कॉल्ड टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस.
जिसको कहा जाता था नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, बिकॉज यहाँ पे या तो इंसुलिन लेवल आपके पास नॉर्मल होते हैं और इवन इंक्रीज भी होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, देयर इज इंक्रीज, ये कह सकते हैं कि देयर इज डिक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी मोस्टली सेकेंडरी टू सेंट्रल ओबेसिटी, ये जो हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो हमारा कॉम्पोनेंट है, ज़्यादातर ये है कि ओबेसिटी इट लीड्स टू डिक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, दैट इज अबाउट टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। अभी रीसेंट टाइम्स में हमारे पास कुछ और भी वेरिएशंस आ रही हैं इन्हीं दोनों की, मेनली ये एक इंसुलिन है ही नहीं, दूसरा एक इंसुलिन है लेकिन सेंसिटिविटी की वजह से इंसुलिन उतना फंक्शनल नहीं है। अब हमारे पास दो तरह की कंडीशन आती है जिसमें यही बात जरा हमें इस थोड़ी सी डिस्पैरिटी लगती है, उनमें से एक को हम कहते हैं लाडा, दैट इज लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट्स। इट मीन्स पेशेंट आर ओल्ड, दे आर स्लिम, दे आर डायबिटिक, लेकिन नो और पुअर रिस्पॉन्स टू ओरल ड्रग्स, और द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज इज वेरी स्वेयर। इट मीन्स लगता है इसी तरह बेशक इट प्रेजेंटेड इन द लेटर पार्ट, लेट प्रेजेंट किए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये लग रहा है जिस तरह की ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन यहाँ पे होगी, इस वजह से ज़्यादातर डीजर स्लिम क्योंकि वेट लॉस हो रहा होगा, सारा प्रोटीन वगैरह यूज हो रही है और रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग है ही नहीं, क्योंकि ड्रग्स सिक्रेटोकॉक्स भी होती है जो इंसुलिन निकालती है, इंसुलिन सिक्रेटिंग सेल्स इन के, तो दीज आर कॉल्ड द लाडा। और दूसरी जो हमारे पास वेरिएशन आती है दैट इज कॉल्ड मोडी, इसको हम कहते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग्स। इसमें क्या है, द पेशेंट यूजुअली दीज आर यंग पीपल लेस देन 25 इयर्स ऑफ एज, ओबीस, एंड दीज बिहेव लाइक स्लो प्रोग्रेशन ऑफ ही, स्लो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, एंड द रिस्पॉन्स इज गुड विद ओरल एंटी डायबिटिक्स। ये वेरिएशन हमारे पास, वन आर यूजली टाइप 1 चाइल्डहुड में प्रेजेंट करती है, टाइप 2 ओल्ड एज में प्रेजेंट करती है, लेकिन जो लेटेंट ऑटो इम्यून डिजीज रिजल्ट है ये आती ओल्ड एज में लेकिन प्रेजेंट्स लाइक टाइप 1। इसी तरह जो हमारे पास बॉडी है ये बिहेव करती है बिल्कुल टाइप 2 की तरह, लेकिन इट प्रेजेंट्स इन यंगर पीपल। ये वेरिएशंस हैं। अभी हम बात करते हैं और एक टाइप ऑफ डायबिटीज को लेट, बाद में इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, सिर्फ पता होना चाहिए। बस बात करते हैं हम थोड़ी सी गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस और जीडीएम, ओनली रिजल्ट्स इन गेस्टेशन आफ्टर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम, क्या आपको पता होना चाहिए, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ डायबिटीज। और इसके साथ जो अभी हम बात करते हैं वो है कि डायबिटीज अलॉन्ग विद अदर एंडोक्राइन फंक्शन, या हम ये कह सकते हैं कि डायबिटीज ड्यू टू अदर रीजंस जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी डायबिटीज, लाइक पेशेंट्स हु आर ऑन लॉन्ग टर्म यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड क्या करते हैं, इंसुलिन इनसेंसिटिविटी करते हैं,
जिसकी वजह से पेशेंट गेट्स गेट डायबिटीज। और क्या हो सकता है, हमारे पास एंडोक्राइन कंडीशंस हैं जिसमें कंकॉमिटेंट हमारे पास डायबिटीज भी आ सकती है, फॉर एग्जांपल इन कुशिंग सिंड्रोम। और हमारे पास ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में लाइक एक्रोमेगाली। So this is all about the introduction of diabetes. Now हम ये बात करते हैं कि if we suspect that a patient has diabetes, how to investigate and how to label a patient that he or she is diabetic. हम पहले बातें करते हैं के नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स हमारे पास होते कितने हैं। तो फास्टिंग ब्लड शुगर दैट इज हम फास्टिंग ब्लड शुगर उसको कहते हैं ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स का फास्ट और देन वी टेक द ब्लड शुगर्स मोस्ट इन द मॉर्निंग। यहाँ पे नॉर्मली तौर पे इट इज लेस देन 100 milligram per deciliter, that is normal, ठीक है। और normal हमारे पास random blood sugar कितनी आती है, this is about less than 140 milligram per deciliter, these are the normal values. थोड़ी सी वेरिएशन डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर हमारे पास आ सकती है कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन भी थोड़े बहुत डिफरेंट होगी, इसी तरह अगर हम लाइस की गाइडलाइन में थोड़े बहुत डिफरेंट होगी, लेकिन दिस इज द प्रोटोकॉल, ये हमारे पास आ सकती है। अब हाउ मच इट शुड इंक्रीज, कि क्या 100 से ऊपर हो जाएगा हम डायबिटीज लेबल कर देंगे, या 140 से ऊपर हो जाएगा डायबिटीज लेबल कर देंगे, और ये हमें विंडो पीरियड पेन ये हम देख लेंगे। तो यहाँ पर हम दो टर्म्स को डिफाइन करते हैं कि वो हमारे पास होते हैं, उसे हम कहते हैं इंपेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। हमने कहा नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेस देन 100 था, इंपेयर्ड का मतलब है, और डायबिटीज हम लोग लेबल करते हैं when the fasting glucose is more than 126 milligram per deciliter, and impaired fasting glucose हमारे पास ये हमारे पास वो window आती है जिसके अंदर normal तो नहीं है लेकिन उस level तक भी blood sugar raise नहीं हुए कि हम उसको diabetes label कर लें। तो हमारे पास कितना आता है वो 100 to 125 milligram per deciliter, ये level जी जब इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, जिसको हम ब्रॉडर टर्म में हम कहते हैं इट इज प्री डायबिटीज। ठीक है, इसी को अगर हम ले लें रैंडम ब्लड ग्लूकोज के लिहाज से, तो रैंडम हमने कह दिया नॉर्मल लेस देन 140, और हम लेबल कर देते हैं डायबिटीज को वेर इट इज मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसिलीटर रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स। मीन्स रैंडम का मतलब ये है कि टू आवर्स पोस्ट कर लिए, यानी खाने के पहला लुकमा लिया, पहला नवाला लिया, उसके 2 घंटे बाद एटलीस्ट हम जब चेक करें इफ इट इज ग्रेटर देन 200 वी लेबल इट एज डायबिटीज, और नॉर्मली कितना होगा, नॉर्मली इज लेस देन 140। तो हमारे पास एक विंडो एक हमारे पास आती है फ्रॉम 140 टू लेस देन 200, दिस इज नॉट नॉर्मल एंड दिस इज नॉट ग्रॉसली एबनॉर्मल कि हम उसको ये लेबल करते हैं डायबिटीज, वी लेबल इट एज इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। और इन दोनों इम्पेयर्ड वैल्यूज को हम एक ब्रॉडर कैटेगरी में लेते हैं जिसको हम कहते हैं कि प्री डायबिटीज, इट इज एक्चुअली प्री डायबिटीज। It means patient is not yet diabetic, लेकिन अगर
the lifestyle modifications are not introduced or even a few drug therapies, agar wo hum shuru nahi karte, to the patient can become a full-blown diabetic in a time period almost kitna hota, about 2 to 7 years. Agar hum ye control nahi karte, the patient can be a diabetic in the future in year markers time period. Or pre-diabetes mein khas cheez kya hoti hai, pre-diabetes mein mostly these are asymptomatic. These are asymptomatic, not mostly. These all are और अगली बात भी होती है, इट इज रिवर्सिबल. मेन चीज है डायबिटीज की, कि अगर हम लाइफ फॉर मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस करें या कोई ना कोई हम इंसुलिन सेंसिटाइजर इंट्रोड्यूस करते हैं तो दिस कंडीशन कैन बी रिवर्सिबल. ठीक, दूसरी चीज ये है कि जब डायबिटीज होती है तो हम आगे बात करेंगे कि कॉम्प्लिकेशन के बारे में होती है, लेकिन अगर प्री डायबिटीज 2 से 7 साल के अंदर अंदर तक करती है एंड यू रिवर्स इट तो देर आर नो कॉम्प्लिकेशन. और ये हमारे पास डायबिटीज के लेवल है. और कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है ये आप भी थोड़ी सी बात करा करते हैं. और जो इन्वेस्टिगेशंस यूज हम करते हैं दीज आर द बिटवीन डिपस्टिक्स होती हैं फॉर ग्लाइकोसूरिया. दिस टेस्ट इज द कॉमनेस्ट screening test for diabetes. Maybe it's not diagnostic. Blood test आपको जरूरी है. इसी तरह अगर हम urine की बात करें और हम ketones check करें. Obviously एक चीज इसमें याद रखने वाली है कि हम urine dipsticks की बात करते हैं जिसमें glycosuria आता है तो इसमें कुछ condition है जिसमें glycosuria वैसे normally तौर पर नहीं आ सकता है. Like in the patients और इन देर आर वेरिएशन रीजन थ्रेशोल्ड्स तो कुछ कंडीशन होती है जिसका इवन सम यंग पीपल दे हैव डिक्रीज रीजन थ्रेशोल्ड्स. एम जो नॉर्मल लेवल ऑफ द ब्लड शुगर भी अगर होंगे तो उस वक्त भी आपके पास ग्लाइकोसूरिया होगा. एंड सेकंड जो एम्फेसिस फैक्टर होता है ग्लाइकोसूरिया के लिए दैट इज प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में भी आपके पास कितनी रियल थ्रेशोल्ड होता है और उसके लिए आपके पास क्या होता है कि यू कैन कम अप विद ग्लाइकोसूरिया. अगली चीज़ हम करते हैं कि अगर यूरिन की हम बात करें कीटोन्स की, हमने जैसा बात की थी कि मेटाबॉलिज्म में जब ग्लूकोज इज नॉट यूज और लिपिड यूज हो रहे होते हैं, जब लिपिड यूज होते हैं तो एंड एंड प्रोडक्ट हमारे पास कीटोन्स आते हैं, तो क्या यूरिन कीटोन्स का हमारे पास डायग्नोसिस में डायबिटीज की कहीं पे कोई जगह है? हम ये कह सकते हैं कि डायग्नोसिस में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर इफ हमारे पास ग्लाइकोसूरिया आता है एंड वी हैव कीटोन रहता है तो हमें मतलब डायबिटीज इज हाईली लाइकली ये बात. हम अगली बात करते हैं ब्लड की बात करनी है, यूरिन की बात करनी और कुछ चीज टेस्ट इसके लिए हो सकता है दैट इज हम एक और बात करते होते हैं लोग एक ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की जिसे HbA1c कहते हैं. एक्चुअली नॉन कोवलेंट क्या होती है, बॉन्डेज होती है ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद द हीमोग्लोबिन. अब बात यह है इट एक्चुअली गिव्स द एवरेज
the average blood glucose levels of the patient, and this average almost utna hi jitne ki RBC ki half life hoti hai, that's about 3 months. And iski value jo hai, it comes in percentages. और याद रखने वाली बात यह है कि 1% of HbA1c is equal to about 2 millimole per liter and that is equal to about 36 milligram per deciliter. And what is the normal value of HbA1c? It's less than 5.5%. और अगर 5.5% से 6.5% के दरमियान आता है, वी लेबल इट एज प्री डायबिटीज. और कब जाके डायबिटीज होगा? व्हेन दिस मैक्स वैल्यू इससे आगे चला गया, ग्रेटर देन 6.5% आ गया, हम कह सकते हैं दिस पेशेंट इज डायबिटिक. हमने बात कर ली तो डायबिटीज के इन्वेस्टिगेशन में हमने देखा कि हमने ब्लड ग्लूकोज लेवल के रेंजेस देखे, हमने देखा यूरिन में कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं, और हमने यहाँ पे ये बात की कि एवरेज भी है. इन गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस ओजीडीडी भी यूज होता था बहुत सारी जगह पे, दिस इज ऑब्सोलीट. हम जो फास्टिंग या रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ही लेते हैं टू लेबल अ पेशेंट एज गेस्टेशनल डायबिटिक एंड टू मॉनिटर. तो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटीज मेलिटस.